नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और जिस तरह से मार्केट में एक मूव बना है, खास करके स्पाइसेस में बड़ी तेजी का माहौल है, तो शुरुआत हम करेंगे यहां पर मसालों के साथ। हल्दी में चार इनफैक्ट अब करीब करीब 5.5% की तेजी आ गई है। अक्टूबर का वायदा 13,476 के स्तर पर पहुंच गया है, जोरदार तेजी। एक हफ्ते में दाम 15% से ज्यादा बढ़े हैं, बड़ी तेजी। अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल के, इस पर बात करने के लिए। अमित जी, कुछ कमेंट आपका टर्मरिक पे? जी, आई थिंक जीरा के साथ कैचअप रैली हो रही है ऐसा लगता है। और पिछले काफी हफ्तों में काफी जो मेरे साथी भी थे या मुझसे भी आपने बात की थी, तो कहीं ना कहीं सारे तेजी की ही इंडिकेट कर रहे थे और जबरदस्त तेजी आई है। खैर, 12,500 मुझे लग रहा था कि पॉसिबली जुलाई में होगा, उसको भी एक्सीड कर चुका है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये तेजी बरकरार रहेगी। 12,400 से 500 का मैं समझता हूँ कि एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, और शॉर्ट टर्म नेक्स्ट लेवल अगर देखा जाए तो करीबन 13,200 ये देखने मिल सकता है। तो अब भी मुझे लगता है कि डिप पे बाइंग ही करना चाहिए। हाँ, एक आध सेशन हो सकता है हमें डिप देखने मिले 12,500 से 400 के बीच, लेकिन वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका व्यू एग्री में ग्वार पर क्या होगा? ग्वार में आज प्रॉफिट बुकिंग है, आज की इस गिरावट पे क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक इन जनरल एक सेक्युलर रैली लग रही है एग्री कमोडिटीज में। ग्वार में भी एक इमीडिएट बॉटम हमने 5,000 के नीचे बनते हुए देखा है, वहां से लगातार रैली आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये रैली जो ये करेक्शन है, इस पे बाइंग एक अपॉर्चुनिटी होगी। शॉर्ट टर्म बेसिस 5,580 तक गिरावट हो सकती है, वहां पर मैं बाइंग की रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 5,500 का होगा, और अपसाइड में मेरा मानना है कि 5,750। के ऊपर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब गोल्ड की। गोल्ड में कल अच्छी तेजी आई थी, 2 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड का भाव कल पहुंचा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $30 गोल्ड के दाम बढ़े थे, इंडियन मार्केट में भी ठीक ठाक तेजी आई थी। आज बताइए, आज गोल्ड में मामूली तेजी है या यूं कहें कि एक रेंज का ट्रेड हो रहा है, क्या करें गोल्ड में? जी बिल्कुल, देखिए गोल्ड में फिलहाल मैं समझता हूँ कि डॉलर इंडेक्स में जो एक हल्का सा उछाल आया है, खास करके यूके के सीपीआई डेटा के बाद, जहां पर जो आंकड़े देखे गए थे कि यूके सीपीआई जो पिछले दफा 8.7% था वो 7.9% देखा गया। पाउंड में काफी एक बड़ा सेल ऑफ है जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, और यूरो में भी कहीं ना कहीं आज प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज का रिफ्लेक्शन खास करके कल की तेजी के बाद हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस प्योरली इंट्राडे या एक या दो दिन के लिहाज से 59,900 के करीब बिकवाली की जा सकती है। 60,100 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा, और डाउनसाइड में करीबन 59,600 का व्यू होगा। ओके, चांदी में भी आपको लगता है आज के लिए बाइंग की कॉल ठीक रहेगी? जी, चांदी में ओवरऑल बाइंग रिकमेंडेड होगी, लेकिन आज के सत्र के लिए स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ कि सेल करके चला जा सकता है। यहाँ पर भी 76,600 के ऊपर बिकवाली कर सकते हैं, 77,200 का स्टॉप लॉस होगा, और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग के वजह से 75,500 तक जो प्राइस है सिल्वर की दिखाई दे सकती है। बहुत ही रेंज का ट्रेड है, महज 7 रुपए ऊपर है। कल क्रूड में भी अच्छी तेजी आई थी, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा दायरे में दिख रहा है, क्या करें कच्चे तेल में? जी बिल्कुल, देखिए जो रशिया के जो कट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे असर देखने मिल रहा है, खास करके इंडिया के लिए भी जो एक इंपोर्ट था करीबन $8 से $9 का जो डिस्काउंट था वो भी $3 से $4 का रह गया। तो इस वजह से सप्लाई जो है पर्याप्त नहीं है, ऐसा इंडिकेशन मार्केट में मिल रहा है, जिसका फायदा क्रूड में दिखाई दे रहा है। प्राइजेस जो है कहीं करीबन 1.5 से 2 महीने के हाइस पर है। मैं समझता हूँ कि ये जो तेजी है जारी रहेगी। 6,180 की जोन में एक करेक्शन दिखाई दे सकती है, वहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। 6,090 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप लॉस में दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम 6,330 का टारगेट भी लिया जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। मेटल में कोई कॉल आपकी आज के लिए? देखिए, चीन के जो आंकड़े आए थे रिसेंटली, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या जीडीपी हो, उसके बाद में हमने बेस मेटल्स में लगातार दबाव बरकरार रहते हुए देखा है। कॉपर जो है फिलहाल वीक नजर आ रहा है,
डिस्पाइट इसके कि गोल्ड सिल्वर क्रूड में तेजी है, बेस मेटल्स इन जनरल वीक हैं। मैं कॉपर में 723 के करीब बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा, 728 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर करीबन 715 से 714 तक के टारगेट लिए जाना। ये बहुत शुक्रिया आपका अमित जी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।